कथा में कहूंगी कि नांदेड़ जैसे भक्त मैंने देखे नहीं। और सभी अतिथिगण जो भी आए हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण चरित्र भगवान का ऐसा अवतार जिसको 24 अवतारों में सबसे सुंदर अवतार माना। कृष्ण नाम का ही अर्थ है जो सबको आकर्षित करता है, जिससे सबको प्रेम हो जाए, वो है कृष्ण का। सभी गुण है जिसमें, ऐसा कोई गुण नहीं जो श्री कृष्ण में ना हो, ऐसा कोई समय नहीं जो कृष्ण ने ना जिया। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर सीख ही ये है कि उन्होंने हर चीज अच्छे से जी, चाहे उनका बचपन है, चाहे उनके संबंध है, चाहे उनका कार्य है, चाहे ज्ञान है, चाहे भक्ति है, सब में अपना सब कुछ दिया। हाँ कि ना, कोई भी लीला उठाइए श्री कृष्ण के उदाहरण है तो शरारते में भी उनके उदाहरण है। शरारतें भी कैसे कर रही है, बच्चे शरारत करते तो सबको कन्हैया ही नजर आता है। तो शरारत तक में श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ दिया कि बचपना भी जियो तो अच्छे से जियो। आज बच्चों पे जितने बोझ है, उनका बचपन कब खत्म हो जाता है उन्हें नहीं पता चलता। पर भगवान ने सीख दी हर समय को अच्छे से जियो। तो ऐसे श्री कृष्ण के बारे में हम आज बात करेंगे। चाहे ब्रज के प्रसंग हो, चाहे महाभारत के प्रसंग हो, चाहे गीता का ज्ञान हो, सबसे कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ही दिन में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के बारे में बात करना तो संभव, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए फिर भी हम उनकी लीलाओं को समझ ना पाए, पर छोटी सी कोशिश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उग्रसेन नामक राजा हुए, उनके 9 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम कंस। देव की माता कंस की चचेरी बहन थी, पर वो सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। उन्होंने उनका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया। अब विवाह के बाद विदाई हो रही है तो बहन को खुद छोड़ने जा रहे हैं। अब रास्ते में रथ चला कर जा रहे हैं कि बीच रास्ते आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान कहां से होगी? लगते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं 8वीं संतान से खतरा है, मैं अपनी हर संतान ला कर दूंगा देवकी को। ठीक है, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। कंस ने कहा संतान होते ही मुझे बता। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर जाते हैं। अब लीला देखिए, जब पहली संतान जी सोचे कि ऐसा हो गया तो फिर भगवान आएंगे कैसे, तो नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर कंस के पास पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी बैठिए, जितनी जल्दी खड़े होते उतनी जल्दी बैठना है। तो कमल का पुष्प लेकर कंस के पास पहुंचते हैं। अब कंस से कहे कि बताइए इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस कोशिश करते हुए, कंस कहे ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं। तो नारद जी कहे तो तुम्हें क्या पता कृष्ण ने कैसी गिनती करी है, क्या पता उल्टी गिनती करी, पहली संतान या 8वीं संतान। तन समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं नारद जी। कारागार के अंदर जाते हैं, बच्चे को गोद में उठाते हैं और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, छठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। ये कौन हुए? बलदाऊ भैया। सबको लगा देवकी माता का गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, मोटी मोटी बूंदे बरस रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। पर भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए, समय से पहले जन्म लेते हैं। मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में, कारागार के अंदर मथुरा में छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते। अब यहाँ भगवान वसुदेव जी से कह रहे हैं कि ज्यादा समय नष्ट ना करें, मैंने सारे कार्य कर दिए, बेड़िया अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, सारे सेवक सो गए, मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर चले। वहाँ नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, यशोदा मैया के पास कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुलाना। तुमको टोकरी में लेकर वसुदेव जी जाते हैं, कन्या को उठाते हैं और भगवान को वहां सुलाते हैं। वापस आ गए, वापस आते हैं, बेड़िया अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए, सेवक नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। तो कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल लेगी। तो जाते हैं, कन्या को उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश की थी, कन्या को मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दो। अब यहाँ पर नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब देखिए उत्सव तो सभी मनाते हैं, आपके घर में भी खुशखबरी होगी, आप भी उत्सव मनाएंगे, हाँ कि ना। अब सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं तो उत्सव, लेकिन सब मनाते हैं। फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रहेगा? नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में, उस वक्त दूध दही माखन का कार्य था, जिसके पास जितनी ज्यादा गैया वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में, जिनको वस्त्र चाहिए था वस्त्र दिया, धन चाहिए था धन दिया, अन्न चाहिए था अन्न दिया, सबको प्रसन्न किया। सब इतने प्रसन्न थे मानो उनके घर लाला हुआ। और जैसा मैंने कहा, भगवान ने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया, बहुत लीलाएं करी, बड़ी शरारतें करी। भगवान ने तो सोचिए बड़े होने का भी इंतजार नहीं किया। अभी भगवान नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, इतने छोटे हैं भगवान कि इतना छोटा बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदलता। अब नंद बाबा एक बार कमरे के सामने से जा रहे, भगवान कमरे में सो रहे थे। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए, बड़े दिन हो गए, कोई आश्चर्य मिल गया। जैसे ही नंद बाबा सामने से जा रहे थे कि भगवान ने अपनी करवट बदल दी। अब भगवान से प्रेम देखिए, नंद बाबा की जब नजर पड़ी भगवान को अपने आप करवट बदलता दे, उन्होंने उसी बात पे उत्सव रखा। अभी जन्म के उत्सव से लोग घर पहुंचे ही नहीं थे कि दूसरे उत्सव का निमंत्रण चला गया। अब बाकी सब पूछे कि भाई किस बात का उत्सव है? नंद बाबा कहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। और अब आपको लग सकता है चलिए माता पिता है, माता पिता थोड़े दीवाने होते, माँ बाप तो इतने दीवाने होते कि उनका बच्चा बॉटल यहाँ से यहाँ रख दे वो उसी में नाचने लग जाए। कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। माँ बाप तो होते ही ऐसे, लेकिन यहाँ तो ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं कि नंद बाबा बता रहे तो वो कहे कि भाई ये कोई उत्सव मनाने की बात है, वो उससे ज्यादा नाच रहे हैं। वो नंद बाबा से कहे आप उत्सव की तैयारी करिए, हम सबको बुला के लाते। तो सबको भगवान से इतना प्रेम हो चुका, बहुत बड़ा उत्सव रखा, अब भगवान का नाम रखा गया। तो भगवान का नाम रखने के लिए कहा गया था कि जो नाम रखते वो कहे ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र हो, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीव को टेढ़ा करना। तो भगवान का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण कहने में जीव घूमती है, बोलिए घूमी, जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा, मतलब हाँ उच्चारण ऐसा ही है, अगर उच्चारण सही करेंगे तो जीव घूमेगी। उनका नाम ही इसलिए रखा गया था, तो उनका नाम रखा कृष्ण। तो बड़ा ही टेढ़ा पुत्र हुआ। अब कंस के पास चलते हैं, कंस को पता चलता है। तो कंस कहे पैदा हो गया, तो कितनी जल्दी पैदा हो गया अब तो मुझे नहीं पता। तो एक दैत्यों की सभा बुलाते हैं, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। अब वो कहे ब्रज में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर स्तनों पर विष का लेपन करके पहुंचती, बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने उनकी हत्या कर। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कैसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ, मेरे पास लेके आओ उसको। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले वो घर के बाहर से देखे इस घर में बच्चा है कि नहीं, तो खिड़की पर आई है यशोदा मैया, अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। भगवान ने पूतना के आते ही अपने नेत्र बंद कर दिए। मनोरंजन नहीं हो सकता, जीवन अपने लिए नहीं जी सकता। किसने बोला, किसने बताया आपको? ये सबसे बड़ा कारण है कि युवा आगे नहीं बढ़ रहा भक्ति में। देखिए भगवान ने आपको छोड़ने को नहीं कहा, अगर कहा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता उसको नहीं दी जा रही होती जो आगे जाके राजा बने। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास है? पर भगवान ने तो अर्जुन से एक बार भी नहीं कहा कि राज्य छोड़ दे, खजाना छोड़ दे, राजा मत बन, बोला था कि भगवान कह रहे। किसने कहा? मैंने नहीं, भगवान ने नहीं छोड़ा। छोड़ना नहीं है, कमल बनना। कमल पर पानी की बूंद स्पष्ट नजर आता है, वो ग्रहण नहीं करता उसको, लेकिन उससे अलग भी नहीं रहता, उसके बीच रहकर भी अंशुआ रहता है। आपको यही बनना, सबके बीच रहना है, पर याद रखना है ये सब सच नहीं है। कृष्ण ने तो हर रूप से आपको समझाया। मैंने क्यों कहा कृष्ण अवतार सबसे सुंदर अवतार है? क्योंकि कृष्ण को लेकर हर व्यक्ति अपना रिश्ता खुद चुनता है। कोई गुरु मांगता है, कोई प्रेमी मांगता है, कोई भाई मांगता है, कोई बेटा लड्डू गोपाल मांगता है। जिनके घर में लड्डू गोपाल की से वो बेटा मानते हैं, एक बच्चे की तरह रखते हैं। बच्चे के सोने का टाइम हो गया, बच्चे के खाने का टाइम हो गया। तो भगवान को तो हर रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की खासियत ये है। रिश्ता आप चुनिए। यहाँ कितने क्या मानते हैं भगवान को? क्या रिश्ता है आपका भगवान से? बताइए, जोर से कहिए। मित्र और गुरु, बहुत सुंदर बात है। और क्या मानते हैं यहाँ महिलाएं? प्रेमी और इतनी पूजा करते हैं। आप क्या मान के पूजा करते हैं? भगवान कहेंगे पूजा तो ये रोज करती है, अब इनको जवाब नहीं मिल रहा। चलिए सब कुछ मिलाते हैं, कोई गुरु मान रहा है, कोई भाई मान रहा है, कोई परमेश्वर मान के कर रहा है, लेकिन रिश्ता सबका है। एक बात याद रखिए, और ये मैं आपको उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के जीवन से देती हूँ। श्री कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे, उनकी मृत्यु बताई गई है, क्योंकि जन्म बताए तो मृत्यु भी दिखानी पड़ेगी। तो उनकी मृत्यु दिखाई गई है कि भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, जो पत्तियां हैं वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है। सामने से एक शिकारी जा रहा है, उसको भगवान के पैरों की मणि चमकती हुई दिखती है, उसे लगता है हिरण की आंख है। उसने तीर निकाला और वो तीर मारता है जो भगवान के पैरों पर लगता है। भगवान का इस प्रकार से भगवान की मृत्यु दिखाई, तीर लगने से मृत्यु हुई। जब भगवान खड़े होते हैं, देवी देवता उनको लेने आते हैं, तो शिकारी देख रहा है, वो रोने लग गया। शिकारी कहे कि मैंने आपको मारा, पूरी दुनिया ये कहेगी कि मेरी वजह से आप गए। भगवान कहते नहीं नहीं, मैंने करवाया तुमसे। अरे क्यों करवाया? भगवान कहे राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया। कौन था? बाली। भगवान ने उसको पीछे से उस पर वार किया, तो बड़ा क्रोधित हुआ था कि पीछे से क्यों मारा, सामने से मारना था। भगवान पे गलती हो गई, इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था, तो मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे मारा। हो गया हिसाब बराबर। तो कर्मों का हिसाब तो भगवान तक चुका के गए हैं। आप और हम कौन होते हैं भाई? हम किस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जो हो रहा है आपके अपने कर्मों का। आपको हर चीज अपने कर्मों की ही मिलती है, बस कुछ इस जन्म के कर्म है, कुछ पिछले जन्म के कर्म है, वो याद नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कर्म आपके ही, तो जब भी कुछ हो इसे याद रखिए, कर्म मेरे ही है। अब भगवान क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर ध्यान देता हूं। हम इस पर ध्यान नहीं देते। जब इस पर ध्यान देने लग जाओ ना, आपके जीवन के 80% दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। मैंने बहुत सुंदर चीज पढ़ी थी कहीं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि मनुष्य को सिखा सके मनुष्य से भगवान तक का रास्ता कैसा होता है, जो आप भी बन सकते हैं। सिर्फ वो सिखाने के लिए उनको मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कई दैत्यों को कंस भेज रहे हैं पूतना के लिए। बड़े सुंदर तरीके से भगवान देखते कि हर लीला में सीखे। पूतना भगवान को लेकर वन की ओर जाती है। अब दूध पिलाने लग रही है, कुछ दिन तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। उसको तकलीफ हो रही है तो वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता। और ये अच्छा बुरा दोनों में ही है। अच्छाई में भी भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। हाँ कि ना? किसी भी भक्त को भगवान जल्दी से अपना नहीं बनाते, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन अगर आपने वो परीक्षाएं पास कर ली, तब भगवान कहते अब मैं इसे छोड़ता। कोई भी परिस्थितियों में इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने पूतना वध किया। अब यहाँ पर जब ब्रजवासी आते हैं तो देख रहे हैं एक राक्षसी का शरीर पड़ा है जिसके ऊपर छाती पर छोटे से भगवान बैठे हैं। कहते हैं कि जब यशोदा मैया ने ये दृश्य देखा तो माता पिता क्या करेंगे जब एक राक्षसी के ऊपर अपने बच्चे को देखेंगे, बताइए। सबसे पहला काम माँ बाप क्या करेंगे? हाँ, बच्चे को तुरंत उठाएंगे। हर कोई यही करेगा। यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां गई उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। यशोदा मैया निहार रही है, मेरा बेटा कितना सुंदर। उनको अभी तक वो राक्षसी दिखी नहीं, पर फिर भगवान को लगा इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना हो, कि इतना तेज एक साधारण मनुष्य के चेहरे पर हो नहीं सकता। तो भगवान रोने लग गए। तब यशोदा मैया उनको गोद में, इसके बाद कंस ने कई दैत्यों को भेजा, पर जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी, भगवान हम सभी जानते गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, उस दिन कंस को समझ आया मेरा काल यही है। तब तक तो वो बस खाली दैत्यों को भेज रहा है कि बच्चों को मारते जाओ, उसको पता नहीं है कि असल में है कौन। लेकिन गोवर्धन लीला एक रहस्यमयी लीला, और उसके बाद कंस को पता चल गया मेरा काल ये। तब उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि मेरे दो भांजे हैं कृष्ण बलराम, लेकर आओ। कहते हैं भगवान जब ब्रज से जा रहे थे तो सभी बड़े दुखी थे। भगवान ने किसी को बताया नहीं था कि वो वापस कभी नहीं आए, और भगवान के मन में एक वैसी ही इच्छा थी उस वक्त, वैसा ही दुख था, वैसे ही भाव थे। जो मुझे लगता है यहाँ मैं ये प्रसंग हर जगह ही कहती हूँ, पर इस प्रसंग को यहाँ कहने में शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कितने हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? हाथ उठाना। आनंद आता था, मजा आता था, वापस आने का मन करता था। हमें भी ऐसा ही मजा यहाँ आता था जब हम आते थे। तो एक छोटा बच्चा जब उसे अपने नानी घर से वापस आना होता है, उसके मन में जो भाव होते हैं कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, फिर वही काम, स्कूल, पढ़ाई शुरू। श्री कृष्ण के लिए जब उन्होंने ब्रज छोड़ा था वही भाव, क्योंकि ब्रज छोड़ने के बाद भगवान बड़े हुए। फिर भगवान ने वो बचपना कभी जिया ही नहीं। तो भगवान जब ब्रज छोड़ रहे थे उनको पता था मेरे मस्ती के दिन काम पे लगना, अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। पर यहाँ भगवान सीख देते हैं हर चीज का एक समय होता है, समय में उस चीज को भरपूर जियो। इसीलिए कहते हैं अपने आज में जियो। व्यक्ति भविष्य में क्या होगा उसमें जी रहा है, कल क्या हुआ उसमें जी रहा है, आज को भूल जा रहा है। आज की भाग दौड़ में वो अपना भविष्य खराब कर रहा है, हाँ कि ना? क्योंकि भविष्य में वो क्या करेगा पता है? वो हर चीज के लिए कहेगा बचपन नहीं जिया, जवानी नहीं जी, और बुढ़ापे में रोने के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। तो भगवान का जीवन यही सिखाता है। भगवान को दुख केवल उस दिन हुआ जिस दिन व्रत छोड़ रहे थे। उसके बाद मथुरा पहुंचते ही वो अपने कर्म में लग गए। फिर उनको नहीं था कि ये छूटा वो छूटा, वो सब बातें गई। अब जहाँ है वो कार्य अच्छे से करें। तो भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में रहते हैं, फिर मथुरा आ जाते हैं, कंस वध करते हैं। आने के बाद कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय बाद वसुदेव जी उनको गुरुकुल भेजते हैं। देखिए भगवान ने हर काम समय पर किया। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वापस आते हैं, अब मथुरा का राज्य संभाल रहे। मथुरा का राज्य संभालते संभालते वहां भी कई दैत्य आ रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हुई है कृष्ण के जीवन में। पांडवों का साथ हो। अब ऐसा साथ सोचिए कौन दे सकता है। एक तरफ 100 कौरव है, एक तरफ 5 पांडव है। 100 की 100 मर गए, 5 में से एक कम है। तो साथ किसका होना चाहिए फिर आपके जीवन में भी, बताइए? कृष्ण। किसके जैसा बनना है? पांडवों जैसा। भगवान ने वहां भी परीक्षा ली। जब दुर्योधन और अर्जुन एक साथ आए हैं, भगवान कहे एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना। क्या चुनना है बताओ? दुर्योधन ने क्या चुना? हम भी ऐसे ही हैं, हमें ये 2 ऑप्शन मिलेगा ना, हम नारायणी सेना चुनेंगे। हमें ऐसा लगेगा भाई इतनी बड़ी सेना है, क्योंकि हम तामझाम देखकर बड़े खुश होते हैं ना। अर्जुन ने क्या चुना? श्री कृष्ण। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, अर्जुन ने भगवान को चुना। चुनने के बाद भी भगवान की परीक्षा नहीं खत्म हो रही। भगवान अर्जुन से व्यंग करते हुए कहते हैं, भगवान कहे हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। लेकिन सच्चे प्रेमी कैसे होते हैं ये अर्जुन बता रहे। अर्जुन कहे जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। माखन यानी चीज खत्म हो सकती है, पर अगर उस चीज का चोर आपके पास है तो आपके जीवन में वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, कि वो दुनिया में से कहीं भी उसको लेकर आ जाएगा। तो आपको अपने जीवन में किसको रखना है बताइए? माखन की माखन चोर। पर ये याद रख के जाना, यहाँ सबके मन में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। कथा में बैठो ना, सबको माहौल, क्योंकि माहौल ऐसा है, सबको ऐसा लगता है आज से जीवन में सब अच्छा है, कल से सच बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। यहाँ से बाहर निकल के फोन पे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि संसार अपनी ओर खींच लेता है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं, ये बातें सिर्फ यहाँ याद रखनी है। श्री कृष्ण के बारे में बताया ही इसलिए जा रहा है, चाहे वो पांडवों के रूप में बताया जा रहा हो, उनकी बाल लीलाओं के बारे में बताया जा रहा हो, भगवान का मथुरा छोड़ के द्वारिका नगरी बसाना बताया जा रहा हो, सिर्फ आपको यही सिखाया जा रहा है जीवन में हार नहीं माननी। और व्यक्ति तभी नहीं हारता जब श्री कृष्ण उनके साथ हो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां विजय है, ये याद है। तो हमें पांडवों की तरह बनना है। हमें अपने जीवन में पांडवों की तरह बनना है। और पांडव ने अपने जीवन में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को महत्व दिया, किसी चीज को महत्व। और जब श्री कृष्ण को महत्व दिया तो श्री कृष्ण ने ये पूरी कोशिश की कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। ये ध्यान रखना भगवान का काम है। आप भगवान का ध्यान रखिए, भगवान आपका ध्यान रखेगा। बस इतना ही करना है। कौन कौन करेंगे यहाँ पर हाथ उठाना? पक्की बात? हाँ की ना? जोर से कहिए। चलिए आइए आज की कथा को यही विराम देते हैं।